हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज एक करेंगे कैमरा कंपैरिजन Honor 70, Oppo Reno 8 एंड Samsung S21 FE। ये ऑलमोस्ट दुबई में ऑलमोस्ट सबकी प्राइस सेम ही है, इस प्राइस रेंज में है, तो मैं एक कैमरा कंपैरिजन कर लेता हूँ। अगर आप कोई कैमरा फ़ोन लेना चाहते हो तो कौन सा ले सकते हो इन तीनों में से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। Honor 70 भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है UAE में, Samsung S21 FE लॉन्च हुआ था फरवरी में, और Oppo Reno 8 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, मगर सितंबर में ये दुबई में भी आ जाएगा। तो देखते हैं इनका कैमरा कंपैरिजन में किसका कैमरा सबसे बढ़िया है। अगर बात की जाए कैमरे की तो Honor 70 में मिलता है आपको ट्रिपल रियर कैमरा, 54 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है सोनी IMX 800 के साथ, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वहीं फ्रंट कैमरा इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं अगर सैमसंग की बात, सैमसंग में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। फ्रंट कैमरा इसका भी आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं Oppo Reno 8 की बात, इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी IMX 766 के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। फ्रंट कैमरा इसमें भी 32 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ किया था, जूम करके देखा था, नॉर्मल पिक्चर्स, पोर्ट्रेट शॉट, सेल्फी, वीडियो सब कुछ बनाया है, नाइट शॉट्स, आउटडोर इंडोर सब कुछ लिया है। तो आपको पता चल जाएगा किसका कैमरा कितना बढ़िया है। और इस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, मतलब दुबई में गर्मी बहुत होती है, आप देख सकते हैं लास्ट में बनाया था मैंने शॉट, और फेस का मतलब बैंड बजी हुई पसीने आए हुए, टी शर्ट भी पूरी गिली हो गई थी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मैंने ये लैपटॉप में अपना टेस्ट किया कि आप क्लियरली सब कुछ देख सको, हम पिक्सल को भी जूम करके देखेंगे कितना बढ़िया, पिक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। पहली पिक्चर Honor 70 के, बीच वाली Oppo की और लास्ट में सैमसंग की। अगर हम इसको जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से मुझे सबसे बढ़िया Honor 70 लगा। पिक्सल Oppo में थोड़ी नॉइस आ गई है और सैमसंग ने भी अच्छा काम किया, मगर देखने में भी Honor काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें आप कलर देख सकते हैं, येलो का कलर काफ़ी डिफरेंट हो चुका है तीनों ही पिक्चर्स में। तो नेचुरल कलर मुझे Honor का लगा था एज़ कम्पेयर टू Oppo। Oppo में थोड़ी सेचुरेशन मुझे ज़्यादा लगी और सैमसंग ने बैलेंस किया, मगर हल्का सा कलर वाइब्रेंट कर दिया है। और अगर हम पिक्सल को जूम करते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कलर, येलो कलर कितना डिफरेंट आया है। बाकी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कैमरा सबसे बढ़िया लगा। तो यहाँ पर एक साइकिल था, काफ़ी स्टाइलिश था साइकिल, सामने का इसकी भी पिक्चर लेते हैं। तो पिक्चर सब में अच्छी आई है। Oppo में मुझे फील हुआ कि Oppo कुछ ज़्यादा ओवर सेचुरेट कर रहा है पिक्चर्स को। Reno 8 थोड़ा इनका लो बजट है, मतलब Reno 8 Pro को तो मैंने काफ़ी अच्छा मुझे कैमरा लगा था, 8 मुझे ठीक ठाक लगा। इसमें भी आप लीफ देख सकते हो, Oppo में काफ़ी नॉइस देखने को मिलेगी। सैमसंग और Honor ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैंने यहाँ पर कलर, साइकिल के टायर का कलर देखोगे तो तीनों के बिल्कुल डिफरेंट आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें मेरे को सैमसंग सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। Honor और Oppo में थोड़ी ज़्यादा कलर सेचुरेशन है, नेचुरल से थोड़ा दूर आप कह सकते हो। बाकी टायर में हवा भी कम है, जिसकी भी है भाई हवा डलवा लेना, ऐसे टायर पंचर हो गया, दुबई में पंचर भी बहुत महंगा लग जाता है। बात की नेक्स्ट पिक्चर की बात की जाए तो इसमें भी मतलब पिक्चर काफ़ी अच्छी है। अगर हम पिक्सल को जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी ज़्यादा बढ़िया आई है। तो Honor 70 ने रियली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, मतलब मुझे रियली काफ़ी पसंद आया एज़ कम्पेयर टू Oppo एंड Samsung। और यहाँ पर एक टैटू शॉप थी, मैं आया था दुबई मरीना, काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी लोकेशन, अगर आप दुबई घूमने आते हो या दुबई रहते हो यहाँ पर ज़रूर जाना। इसमें येलो कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया आया है, और इस पर भी मैं कहूँगा Honor 70 ने काफ़ी अच्छा काम, सैमसंग ने भी काफ़ी टक्कर दी है इसको, मगर रियली काफ़ी इंप्रेसिव। इसके बाद ये कार जो मुझे बहुत ही पसंद आई थी, इसमें मैं कहूँगा नेचुरल पिक्चर थोड़ी सैमसंग की आई है, और Oppo और Honor ने थोड़ा सेचुरेशन रेड कलर ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पर कलर्स में देखा जाए तो मुझे Honor का कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, और पिक्सल जूम करते हैं तो सबके काफ़ी बढ़िया आए हैं। नेक्स्ट पिक्चर की बात की जाए, इसमें जो ऊपर ब्रांड का नाम लिखा है उसमें मेरे हिसाब से Honor ने बेस्ट काम किया, बाकी Oppo में काफ़ी डार्कनेस आ गई है क्योंकि शाम हो चुकी थी। और नेक्स्ट पिक्चर भी मैं 6-7 बज गए थे उस टाइम, तो अंधेरा होने लग गया था, तो सैमसंग का मतलब डार्क पिक्चर्स आने लगी थी। Oppo और Honor ने काफ़ी अच्छा काम किया जो मुझे रियली इम्प्रेसिव लगा। नेक्स्ट पिक्चर में भी अगर हम देखते हैं तो इसमें नाइट शॉट्स आपको धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें Oppo काफ़ी अच्छा मतलब पिक्सल अच्छा है, मगर ये ऊपर जो ये मार्क सा बना हुआ है वो मेरे हिसाब से बेस्ट Honor 70 का है, काफ़ी अच्छा इन्होंने क्लिक किया और लाइटनिंग काफ़ी अच्छी सेट की है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं Oppo काफ़ी डार्क हो चुका है, सैमसंग और Honor ने नेचुरल कलर दिया है, तो मेरे हिसाब से
ऑनर मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे कारें काफ़ी बढ़िया थी यहाँ पर इस एरिया में, दुबई मरीना में काफ़ी बढ़िया जगह लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर नेचुरल सबसे ज़्यादा ऑनर में आया है, बाकी में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गई है। तो यहाँ पर रॉयल्स की बात की जाए तो मैं कहूँगा मतलब डार्कनेस होनी शुरू हो गई थी और मगर ऑनर ने काफ़ी अच्छी पिक्चर ली है। तो आप देख सकते हैं सूरज ढल गया है और पिक्चर्स में अब काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा क्योंकि नाइट मोड सब चलेगा। तो पिक्चर्स मतलब मेरे को वैसे ऑनर काफ़ी इंप्रेस किया। यहाँ पर हम ये कैंडी आइसक्रीम की बात की जाए तो इस पर भी मैं कहूँगा ऑनर्स के कलर्स काफ़ी एज़ कम्पेयर टू ओप्पो एंड सैमसंग मुझे बेटर लगे और थोड़े डल आने लग गए हैं सैमसंग के कलर नाइट मोड में। और यहाँ पर देखा जाए तो तीनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर सैमसंग और फिर से ऑनर मैं कहूँगा बेटर लग रहा है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ऑनर ने बहुत ही बढ़िया काम किया, मतलब वहाँ पर बाकी दोनों पिक्चर्स में मतलब वो कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा, ना ही ये नाम ऑक्सीजन ड्रिंक। तो इसमें भी मैं कहूँगा नाइट मोड में रियली काफ़ी इंप्रेसिव काम किया है, पर इस पिक्चर में मैं कहूँगा ओप्पो ने। बाकी देखो रियर कैमरे में मुझे काफ़ी हद तक मैं कहूँगा ऑनर 70 काफ़ी बढ़िया लगा एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 8 एंड शाओमी। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो इसमें देखा जाए इस पिक्चर में पहले मेरी टी शर्ट का कलर देखो तो तीनों ही कलर बिल्कुल डिफरेंट आए हैं नेचुरल ऑनर 70 की तरह। मगर अगर हम फेस पे फोकस करें तो आपको ऑनर और ओप्पो में आपको ब्यूटी मोड मिलेगा, वहीं सैमसंग के फ़ोन में आपको बिल्कुल नेचुरल पिक्चर लगेगी। इसमें भी आप देख सकते हैं ओप्पो एंड ऑनर में ब्यूटी मोड अगर आप थोड़े स्मार्ट दिखना चाहते हो तो ये आपको अच्छा लगेगा, मगर अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो सैमसंग नेचुरल लुक में आया है। और ओप्पो ने कुछ ज़्यादा ही ब्यूटी मोड ऑन कर दिया है एज़ कंपेयर की जाए। इसमें भी हम कहेंगे डायनामिक रेंज भी सैमसंग में काफ़ी अच्छी है, ऑनर में भी ठीक लग रही है। और शर्ट का कलर इसमें सैमसंग का बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऑनर और ओप्पो ने इस बार थोड़ा बेटर काम किया है। नाइट मोड की बात की जाए तो इसमें ये मैंने फ्लैश के साथ ली थी तो ओप्पो में कुछ ज़्यादा ही फ्लैश की रोशनी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू हमारे सैमसंग एंड ऑनर, और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस आ चुकी है। बाकी ओवरऑल बात की जाए फ़ोन की दोनों तीनों फ़ोन्स के कैमरे में मुझे मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे ऑनर 70 ने काफ़ी इंप्रेस किया। ये 1850 ग्राम का फ़ोन लॉन्च किया गया है और 54 मेगापिक्सल का सोनी IMX 800 रियली काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और एक नया चिपसेट के हिसाब से मुझे बढ़िया लगा। आपको इन तीनों में से कौन सा कैमरा बढ़िया लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो बढ़िया लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।